भाजपा ओबीसी पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही, दलितों का आरक्षण भी छीनेगी। अखिलेश यादव। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति प्रिया और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के फैसले ने योगी सरकार पर निशाना साधने और हमले का नया मौका विपक्ष को दे दिया है। ओबीसी को लेकर लगातार सरकार पर कई आरोप लगा रही सपा ने अब दलितों को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि ओबीसी का आरक्षण छीनने के बाद भाजपा दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। अखिलेश के साथ ही चाचा शिवपाल यादव व रामगोपाल यादव ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला। हाईकोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए निकाय चुनाव के आरक्षण की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार से बिना ओबीसी आरक्षण ही चुनाव कराने और ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग के गठन का आदेश दिया है। बिना ओबीसी आरक्षण ही चुनाव कराने का आदेश भले ही हाईकोर्ट ने दिया है, लेकिन सपा ने इसे भाजपा की लापरवाही बताते हुए हमले और तंज कसना तेज कर दिया है। इस दौरान सपा सुप्रीमो ने कहा कि सूबे में 6 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ओबीसी का ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सर्वे नहीं कराया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। अखिलेश यादव ने आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों व दलितों से सपा का साथ देने की अपील भी की। धन्यवाद, आप देखते रहे भारत मीडिया। भारत मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट शीतल निधि। दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है, और जितने भी उनमें पिछड़े नेता हैं, वो सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। तो आरक्षण खत्म हो रहा है, ये सब छीन लेगी भारतीय जनता पार्टी। राहुल जी ने न्योता दिया है आप लोगों को। अरे न्योता हम तुम्हारे सामने खड़े के न्योता हो तो बता दो, अगर तुम्हारी जेब में हो इन्विटेशन तो बता दो। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आरक्षण बड़ा सवाल है। अरे भारत जोड़ो अपनी जगह है, आंदोलन हम उनके आह्वान से भावनात्मक हमारा जुड़ाव है, लेकिन हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला है। अगर आपकी जेब में इनविटेशन हो तो हमें दिखा दो। अगर मिलता है तो फिर क्या तो आप जैसा मैं बोलूंगा नहीं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मामला है कि आज आरक्षण पे हमला हुआ है। सरकार जानबूझ कर करके पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती थी, वो सामने आ गया। अभी तक तो हम लोग नौकरी के लिए चिल्ला रहे थे कि नौकरियों में आरक्षण छीना जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, उस सपने को तोड़ रहे हैं। सब प्राइवेट कर रहे थे कंपनियां, एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी, तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। तो और यहां तो दिखाई दे गया, जो आरक्षण मिलना चाहिए था अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। और जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई है बात। आप याद कीजिए, जिस समय जाति जनगणना की बात हुई, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में रही कि सभी जातियों की जनगणना की जाए, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कौन रोकता है कि जनगणना ना करे? क्योंकि जनगणना करने से हर जाति को अपनी आबादी की जानकारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि हर व्यक्ति अपने जाति के हिसाब से जानकारी कर ले कि वो आबादी में किस संख्या में है। वो मेरी जानकारी में नहीं आया है, और वो जानकारी में नहीं है इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता।
ओके थैंक यू। चुनाव में कितनी मजबूती के साथ सपा खड़ी हुई? अरे पहले आरक्षण बचाओ फिर चुनाव लड़ो। पहले आरक्षण बचाओ और आरक्षण बचाने के लिए अगर समाजवादी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, हमारे पिछड़े जो संगठन के लोगों ने अगर आरक्षण बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो हमारी पार्टी के लोग जाएंगे।